नमस्ते दोस्तों, वंडर मॉम चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम हमारे घर के चीज़ों को खरीदने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह पे ही चीज़ें परचेस करते हैं। चीज़ों को खरीदते समय इस बात का भी मैं ध्यान रखती हूँ, क्या उस चीज़ों का खरीदना अभी ज़रूरी है या फिर कुछ चीज़ें हमारे घर पे ऐसे रहते हैं कि जिसे अगर हम दोबारा यूज़ करते तो फिर वो काम हमारा निकल जाता है। तो जैसे देखिए, यहाँ पे मैं ये शॉर्ट्स को काट रही हूँ। हमारे घर पे जब भी पुराने टी शर्ट या फिर पुराने शॉर्ट्स, ये गंजी यानी टी शर्ट के कपड़ों के होते हैं या फिर कॉटन के कपड़े, तो उसे फेंक देने की जगह मैं उसे किचन में क्लीन करने के लिए या फिर घर पे क्लीनिंग के लिए, इन कामों में मैं उसे यूज़ करती हूँ। क्लीनिंग के लिए मैं अलग से कोई भी टॉवल या फिर क्लीनिंग वाइप्स खरीदने की जगह मैं इस तरह से घर में बना लेना ही पसंद करती हूँ। जैसे देखिए, मैं यहाँ पे इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट ली और इसको मैं एक बॉक्स में ऑर्गेनाइज करके रख दूँगी। ये बॉक्स देख के तो आप समझ ही रहे हो, जो हम लोग बाहर से खाना मंगवाते हैं तो उसमें हमें इस तरह के बॉक्स मिल जाता है, तो उसको मैं यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। इस तरह से इसे फोल्ड करके रख दी और देखिए, बगल में एक डिशवॉश लिक्विड और पानी को घोल के मैं रखी हूँ। अब जब भी ज़रूरत पड़ेगा इसको मैं इसमें थोड़ा सा भिंगो दूँगी और भिंगो के फिर क्लीनिंग करने के लिए यूज़ करूँगी। इस तरह से देखिए, वाइप्स खरीदने की जगह क्लीनिंग पर्पस अगर हम बना के रख देते हैं, और ये रीयूजेबल है यानी एक बार दो बार इसे यूज़ करने के बाद इसे फिर से सुखा के फिर से हम इसे यूज़ कर सकते हैं, तो फिर हमें बाज़ार से खरीदने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बल्कि इसके ज़रिए भी हम हमारे घर के बहुत से जगह को साफ सफाई के लिए यूज़ कर पाएंगे। घर के लिए जब भी कुछ चीज़ें खरीदना होता है तो उसके पहले मैं ज़रूर एक बार ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों जगह ही उसे चेक कर लेती हूँ। हर वक्त ऐसा पॉसिबल नहीं होता है कि लोकल मार्केट में वो चीज़ें मिल जाए, लेकिन अगर मिल जाती है तो मैं ज़रूर कोशिश करती हूँ कि अगर उसमें प्राइस कम हो तो वहीं से वो चीज़ें परचेस करने की। जैसे देखिए, ये एक PVC का टेबल कवर है जो मैं डाइनिंग टेबल के लिए खरीद के लाई हूँ, लेकिन इसको लाते समय मेरे दिमाग में एक बात थी कि मैं इसे दोनों जगह पे ही यूज़ करना चाहती थी। कभी कभी घर के लुक को चेंज करने के लिए, जैसे डाइनिंग कवर चेंज करते उसी तरह सेंटर टेबल कवर को चेंज करने पर भी वो भी देखने में अच्छा लगता है। ये 4 सीटर का डाइनिंग टेबल कवर है, तो इसलिए ये सेंटर टेबल पर भी बहुत अच्छा से सेट हो गया। तो देखिए, इसे मैं फोल्ड करके यहाँ पे सेंटर टेबल पे यूज़ कर रही हूँ। सेम प्रिंट और भी मैं 3 मीटर अलग से ली हूँ ताकि इसे मैं मेरे वार्डरोब के रैक में बिछा पाऊँ, क्योंकि वो बहुत ही चौड़ा चौड़ा है और बाद में ज़रूरत पड़ने पर इसको भी अगर चाहें तो वहाँ पे काट काट के मैं बिछा सकती हूँ। मुझे बहुत ही सस्ते में ऑफलाइन में मिल गया, तो ऑफलाइन में क्यों ना खरीदें, कुछ कुछ चीज़ें तो ऑफलाइन में भी देखनी चाहिए ना। वॉशिंग मशीन के लिए जब भी मैं डिटर्जेंट पाउडर खरीदती हूँ तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं इसका ऑफ़र में जो बड़ा वाला पैक मिले उसे खरीदने का, क्योंकि इससे मुझे करीब करीब 3-4 महीना तक वो डिटर्जेंट खरीदने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, तो इसलिए मैं उस ऑफ़र का इंतज़ार करती हूँ। तो जैसे मुझे इस बार एरियल में ऑफ़र मिल गया, एरियल में अधिकतर ये ऑफ़र रहता ही है 4 kg के साथ 2 kg। अगर मैं सिंगल 1-1 kg का पैकेट खरीदने जाऊँ तो उसमें कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। मान के चलो कि अगर 200 से 250 तक उसका कॉस्टिंग पड़ता है, तो वहीं अगर 6 kg का एक साथ ले लिया जाए तो फिर वो कॉस्टिंग कम होकर करीब करीब 180 से 200 के बीच में आ जाता है। तो यानी देखा जाए तो यहाँ पर हमारी बहुत से पैसों की सेव होती है। जो जगह बिना खरीदे ही काम निकल जाता है उस जगह पे मैं बिल्कुल खर्च करना पसंद नहीं करती हूँ। जैसे माइक्रोवेव को कवर करने के लिए मैं यहाँ पे पिलो कवर का इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे घर के कोने कोने में मैं पिलो कवर को इस्तेमाल करने की कोशिश करती हूँ। इससे एक तो वो चीज़ खरीदने का जरूरत नहीं पड़ता है और दूसरा पिलो कवर का भी बहुत अच्छी तरीके से इस्तेमाल हो जाता है। जैसे देखिए, मिक्सर ग्राइंडर को कवर करने के लिए भी मैं यहाँ पर पिलो कवर का ही इस्तेमाल कर रही हूँ। बदल बदल के पिलो केस यूज़ करने से देखिए, इसका लुक भी पूरा चेंज हो जाता है। मैं बहुत से आइटम्स को ऑनलाइन भी परचेस करती हूँ। जैसे मेरा मेकअप का कुछ भी चीज़ें लेना हो तो वो मैं ऑनलाइन में जाती हूँ, क्योंकि वो मुझे ऑफलाइन में वो अच्छी तरह से ऑफ़र मुझे मिलता नहीं है। ये स्मिटन का एक बॉक्स आया है और इसमें आप देखिए यहाँ पे इसका प्राइस लिखा हुआ है। आप बिलीव नहीं करोगे, इस 199 में मैं कौन कौन सी चीज़ें मंगवाई हूँ। एक्चुअली बहुत सी चीज़ें ऐसे होती है कि हमें देखना पड़ता है कि वो हमारे स्किन में सूट कर रहा है कि नहीं, तो उस हिसाब से मिटन का जो ये
आपका ऑफ़र आता है ये बहुत अच्छा है। जो चीज़ें आपको ख़रीदना है उसका ट्रायल पैक के लिए हमें मिलता है, उसे आप देख के यूज़ करके उसके बाद जाके उसका जो बड़ा वाला है क्वांटिटी में उसे आप परचेस कर सकते हो। इसमें से कुछ चीज़ें मैं ट्रायल करने के लिए मंगवाई हूँ और कुछ चीज़ें ऑलरेडी पहले मैं यूज़ कर चुकी हूँ और वो मुझे सूट किया है बोल के उसको भी मैं यहाँ पे मंगवाई हूँ। ये सभी चीज़ें आपका ट्रायल के लिए भी जैसे अच्छा है, उसी तरह अगर कहीं भी ट्रैवल करने के लिए जाना हो उस समय भी ये छोटे छोटे जो पाउच है या फिर पैक्स है इन्हें भी कैरी करना बहुत ही आसान होता है, जिस वजह से हमें ज़्यादा क्वान्टिटी में चीज़ों को कैरी करने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। अलमारी में साड़ी को रखने के लिए अक्सर हम बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र खरीद के लेके आ जाते हैं और उसके बाद देखा जाता है कि जब उसे हम रखते हैं तो साड़ी रखने में ही जगह कम पड़ रहा है। तो आज चलिए घर पे हम कुछ नए तरीके से साड़ी को रखने का ऑर्गेनाइज़र बनाएंगे। इसके लिए मैं यहाँ पे एक हैंगर में इस तरह के जो टी शर्ट का मैं यर्न यानी रोप जो बनाई थी मैं उसी का यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ। तो देखिए इस हैंगर में पहले मैं इस रस्सी को एक गांठ लगा ली और उसके बाद छोटे 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 करके मैं यहाँ पे 3-4 गांठ लगा दी गई। अब मैं क्या करूँगी, दूसरे और एक हैंगर लूँगी, उसमें मैं एक साड़ी को टांग दी। साड़ी को मैं छोटा फोल्ड की और फोल्ड करने के बाद इस गांठ के अंदर मैं उसे घुसा दूंगी। इस तरह से मैं यहाँ पे 3-4 हैंगर में साड़ी को रख के इस एक एक गांठ में साड़ी को घुसाते जाऊंगी और अलमारी में जगह के हिसाब से आप इस गांठ को छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो देखिए एक कितने कम जगह में ही मैं कितना सारा साड़ी को एक साथ ऑर्गेनाइज करके रख दी और इसके लिए मुझे अलग से कुछ भी ऑर्गेनाइज़र खरीदने का ज़रूरत नहीं पड़ा। जहाँ पे आप देख रहे थे कि जगह नहीं निकल रहा है वहीं पे मैं इतने सारे साड़ी को एक साथ ऑर्गेनाइज करके रख दी और ये कितनी खूबसूरती के साथ ऑर्गेनाइज हो भी गया। PVC का जो मैं अलग से टेबल कवर जो ख़रीद के लाई थी एक्स्ट्रा में उसको देखे मैं यहाँ पे इस रैक के नाप से काट के यहाँ पे लगाई हूँ। बाहर से ऑनलाइन चीज़ें आने पर या फिर कभी कभी कुछ काम काज के वजह से भी अक्सर घर के इधर उधर कुछ चीज़ें फैली भी रह जाती हैं या फिर कभी कभी बच्चे या फिर हस्बैंड भी चीज़ें इधर उधर रख के छोड़ देते हैं। तो उन सभी चीज़ों को अगर उसके सही जगह पे रखने का समय नहीं होता है तो उस समय मैं कोई और बीन बैग यूज़ करने की जगह या फिर स्टोरेज बॉक्स या स्टूल खरीदने की जगह मैं इस तरह के शॉपिंग बैग का मैं इस्तेमाल करती हूँ। इसमें मैं इन चीज़ों को घुसा के किसी भी एक जगह पे घर के कोने में रख दूँगी और बाद में समय से इसे मैं इसके सभी जगह पे चीज़ों को अच्छी तरह से ऑर्गेनाइज करके रख दूँगी। इस तरह से देखिए बिना चीज़ खरीदे भी हम जो चीज़ें ऑलरेडी हमारे घर पर है या फिर आती है उसका भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं और ख़ास तौर से जब काम हो जाए तो इसे फोल्ड करके कहीं भी रखना बहुत ही आसान है। इसलिए इस तरह के चीज़ों का इस्तेमाल करने से हमारे घर के स्पेस का भी बहुत अच्छी तरह से यूटिलाइज हो जाता है, क्योंकि फ्लैट के घरों में या फिर रेंटल के घरों में स्पेस को मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इसके पहले वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ग्राउंड कॉफ़ी किस तरह से हम घर पे बहुत आसानी से बना सकते हैं वो वीडियो शेयर कर चुकी हूँ, तो वही मैं आप लोगों के साथ शेयर की थी कि ये ग्राउंड कॉफ़ी जब बन जाता है उसके बाद इसे मैं फेंकती नहीं हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मैं पानी में उबाल के जो इसे बनाना होता है बनाने के बाद इसको मैं अलग से रख देती हूँ और सूखने के लिए धूप में छोड़ देती हूँ। जब ये सूख जाते हैं उसके बाद इसको मैं एक कटोरी में इस तरह से डाल के फ्रिज में इस्तेमाल करती हूँ। फ्रिज में जहाँ भी इसे रखे उससे क्या होता है फ्रिज का जो भी बदबू रहती है वो सारे ये कॉफ़ी पाउडर एब्जॉर्ब कर लेता है। इस तरह से थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके कॉफ़ी पाउडर लेके मैं पौधों में भी इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये पौधों के लिए भी बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र का काम करता है। घर के लिए जब भी मैं ग्रॉसरी का परचेस करती हूँ उस समय मैं ग्रॉसरी आइटम्स और दूसरा जो भी डिटर्जेंट है, डिशवॉश लिक्विड है, हैंडवॉश है, इन सबको भी मैं चेक कर लेती हूँ कि कौन से चीज़ों का इस मंथ ज़रूरत है या फिर अगले मंथ लेने से भी चलेगा। क्योंकि जब भी मैं हैंडवॉश या फिर डिटर्जेंट पाउडर का ख़रीदारी करती हूँ तो वो मैं ज़्यादा क्वान्टिटी में उसे मैं खरीदने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि उसमें डिस्काउंट ज़्यादा मिलता है और उसमें ऑफ़र भी बहुत अच्छा रहता है। जैसे ये हैंडवॉश है तो इसमें आप देख ही रहे हो बाय वन गेट वन फ्री ऑफर है,
तो अगर मैं एक खरीदने जाऊँ तो उसमें मुझे सिंगल में जो प्राइस देना होगा, अगर ऑफर में मिल जाए तो सेम प्राइस में मुझे दो मिल रहा है। तो जैसे मैं एक बार ये दोनों खरीद ले रही हूँ तो उसके फायदा ये है कि मुझे अगले मंथ मुझे ये परचेस करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। और मैं अधिकतर समय इस तरह का रिफिल पैक खरीदने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि रिफिल पैक की तुलना में जो आपका डिब्बे आते हैं उसमें कॉस्ट ज़्यादा पड़ जाता है। तो डिब्बे अगर घर पे एक दो हो तो फिर मुझे डिब्बे खरीदने का ज़रूरत ही नहीं है। मैं इस तरह का रिफिल पैक खरीद लेती हूँ और इसमें देखिए ये ढक्कन है बोल के इसे डालना भी बहुत आसान है और इसे स्टोर करना भी बहुत आसान है। तो इस तरह से हम हमारे घर के खर्चे को कम कर सकते हैं। फ्लावर बुके हम सभी के घर पे आता है, मेरे घर पे भी आता है, लेकिन जब भी ये सूख जाते हैं तो मैं इसे पकड़ के बिल्कुल नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि उसके बाद मेरे दिमाग में ये चलता है कि इसको मैं क्या करूँ ताकि ये फिर से कुछ नया बन जाए। तो इसके लिए आप देखिए जो भी सूखे फूल पत्ते थे उन सबको पहले मैं अलग कर ली और जो भी प्लास्टिक के फूल थे इसमें उसको भी मैं अलग कर ली। अब ये आप देख रहे हो जब भी हम ऑनलाइन से शॉपिंग करते हैं तो इस तरह के हमें शॉपिंग बैग मिल जाता है, तो उसे फेंकने की जगह इस तरह से मैं इन चीज़ों को फेंकने के लिए या फिर गार्बेज फेंकने के लिए उसका इस्तेमाल करती हूँ। तो इससे थोड़े बहुत गार्बेज बैग्स कम खरीदना पड़ता है तो उसमें भी थोड़ी बहुत पैसों की बचत हो ही जाती है। तो अब देखिए इस सारे गंदगी को मैं एक तरफ अलग करके रख दी। इको फ्रेंडली रैपिंग पेपर जो आता है जब भी हम कुछ चीज़ें ऑनलाइन मंगवाते तो इस तरह से पेपर से रैप करके वो आती है, तो मैं उस पेपर को देखिए यहाँ पे इस्तेमाल कर रही हूँ क्योंकि ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इसको मैं पहले इस तरह से कवर करती और उसके बाद जो भी जितने प्लास्टिक का जो फ्लावर्स था उसको मैं देखिए बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर इसको सजाऊँगी। अब देखिए ओरिजिनल फ्लावर बुके तो चला गया लेकिन आर्टिफिशियल फ्लावर बुके घर पे ही रह गया और इसको मैं हमारे जो केबल्स तार जो जहाँ दिखते हैं उस जगह पे मैं इसे रखने के लिए इस्तेमाल करूँगी। इससे हमारे घर पे जो सामने में दिखने वाले केबल्स जो देखने में अच्छा नहीं लगता है वो देखिए बहुत अच्छी तरह से ढक गया। तो आप लोगों को आज की ये वीडियो कैसी लगी ये बात आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अच्छा लगने पर इसे लाइक और शेयर जरूर करें। सब्सक्राइब करने पर मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके घर तक पहुंच जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए लिंक से जाके आप मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक में फॉलो कर सकते हैं।